नमस्कार दोस्तों, एनआरके टाइपिंग कॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको हिंदी की टिप्स बताने जा रहा हूँ। जो स्टूडेंट एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हैं वो भी ध्यान रखें, और जिनको थोड़ी आती है टाइप वो भी ध्यान रखें, ठीक है। आपको हिंदी के अंदर ए को छोड़ना नहीं है, आपको ए से ही टाइप स्टार्ट करना है। और राइट साइड आप करेगा सेमी कॉलम एल के जे, जो आपकी ए एस टी एफ और सेमी कॉलम एल के जे के ऊपर हल्का सा बार कोड दिया हुआ है, उसको आप टच के पहचानिए। इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आपको पोजीशन यहीं रखनी है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। पहली एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हाथों की पोजीशन देखना और फिंगर की पोजीशन देखना, कैसे टाइप हो रहा है। बैक स्पेस का हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। जैसे जैसे उंगली आगे चलेगी पीछे से उठती रहेगी। जैसे इस ए के ऊपर आता है डॉट, डॉट के बाद आपको स्पेस देना है राइट थंब से, फिर ए की मात्रा आती है एस के ऊपर, फिर डी, डी के ऊपर आता है क, एफ के ऊपर आता है छोटी ई की मात्रा स्पेस, फिर इधर सेमी कॉलम के ऊपर आता है ये, एल के ऊपर आता है सै, आ के ऊपर आता है आ की मात्रा, जे के ऊपर आता है रे स्पेस। इस तरह से आपको आराम से पहले टाइप करनी है। बाय द वे कोई एरर हो भी जाए तो आपको बैक स्पेस नहीं लेना है, मीनिंग को वहीं छोड़ देना है। ये हिंदी की फर्स्ट एक्सरसाइज। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर कीबोर्ड की सेटिंग ए एस टी एफ और सेमी कॉलम एल के जे पर ही रहेगी। इंग्लिश के अंदर ए एस टी एफ और इंग्लिश के अंदर एस डी एफ जी नहीं रखना है। जो इंग्लिश की एक्सरसाइज है उसी के हिसाब से आपको हिंदी करनी है। हिंदी के अंदर डॉट का ज़्यादा यूज आता है, इसलिए आपको डॉट को छोड़ के नहीं चलना है, डॉट को लेकर चलना है। सैसे संकर हम देख के भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन डॉट तो एनी मीनिंग के अंदर आते हैं ज़्यादातर, तो आपको डॉट को छोड़ना नहीं है। एफ के अंदर एक हल्की सी लक्ष्मण रेखा दी रही है और ए के अंदर भी दे रखी है, तो आपको दोनों का हाथ वहीं सेट करना है और एक्सरसाइज इस तरह से आपको टाइप करनी है। ये हो गई पहली एक्सरसाइज। डॉट, डॉट के बाद स्पेस देना है राइट थंब से, ए की मात्रा क, छोटी स्पेस ये से, आ की मात्रा रहे। जैसे जैसे मेरी फिंगर पीछे से उठ रही है, आपको भी फिंगर उतनी ही उठानी है। ध्यान रहे, अगर फिंगर कम उठेगी तो एरर ज़्यादा होंगे, एरर ज़्यादा होंगे तो आप बैक स्पेस ज़्यादा लोगे। सेकंड एक्सरसाइज है हिंदी के अंदर, डॉट स्पेस ए की मात्रा क छोटी। अब जी के ऊपर है लिखा हुआ है, इसी को भी टाइप करना है, फिर आपको बैक आना है वापस एफ के ऊपर छोटी की मात्रा। राइट साइड से भी यही यूज करना है। ये आ गया, ये पे आएगा सेमी कॉलम, एल पे शे, आ की मात्रा रे, बड़ी की मात्रा रे। जैसे कि इंग्लिश में पहली एक्सरसाइज है ए एस टी एफ जी एफ, सिर्फ इसमें लेटर चेंज हो रहा है सामने कीबोर्ड, यहाँ पे करो स्क्रीन पे, ये देखो कौन सी एक्सरसाइज हो रही है। नीचे दिखाओ, हाँ को नीचे लाओ, थोड़ा अक्सर साफ दिखना चाहिए। जब फिंगर की पोजीशन सही रहेगी तो आगे एरर कम आएंगे आपके। जब एरर कम हो जाते हैं तो बैक स्पेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जितना आप बैक स्पेस यूज करेंगे इससे तो बढ़िया आएगा। आगे का मीनिंग आप पकड़ो, आगे का मीनिंग लिखो। जब एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ेगी तब एक्यूरेसी बनाएंगे। अभी सबसे पहले हम टाइप अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से स्पीड बनाएंगे। जब एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ेगी तो एक्यूरेसी पर ध्यान देने की भी टिप्स बताऊँगा, लेकिन अभी फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करा रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको बिना बैक स्पेस के जितनी एक्यूरेसी आ सकती है लानी है। ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसका वीडियो भी मैं आपको अभी बनाकर अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू। एनआरके टाइपिंग कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है।